कोतवाली पुलिस ने गाय की पूंछ काटने वाले मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, चार संदिग्ध भी किए डिटेन। गाय की पूंछ काटकर मंदिर के द्वार पर रखने के मामले के चौथे दिन पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस वारदात को अंजाम देने वाले बबलू शाह पुत्र निसार मोहम्मद शाह फकीर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा चार अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। उधर पुलिस का कहना है कि आरोपी साइको इफेक्ट है, उसने चाकू से गाय की पूंछ काटना कबूल किया है। गौरतलब है कि 25 अगस्त को विनोद दास कामड़ ने कोतवाली में रिपोर्ट दी कि सुबह 11:30 बजे के लगभग गांधी सागर तालाब के सामने हनुमान कॉलोनी स्थित वीर हनुमान मंदिर पर अज्ञात व्यक्ति ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से गाय की पूंछ काटकर मंदिर के द्वार पर डाल दी। उधर इस घटना के बाद शहर का माहौल गर्मा गया। दूसरे दिन शहर की कई दुकानें बंद करवा दी गई। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर पथराव भी किया था। उधर पुलिस अधीक्षक राजन दूषंत ने वारदात को गंभीरता से लेते हुए एएसपी विमल सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया। इसमें डीएसपी सिटी सदर मंडल को शामिल करते हुए 8 टीमें गठित की। पुलिस टीमों ने आरोपी तक पहुंचने के लिए घटना स्थल के आसपास सहित अन्य इलाकों में लगे 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के 2 दिन के फुटेज खंगाले, मोबाइल बीटीएस का डेटा प्राप्त कर विश्लेषण किया। इस तरह की घटनाओं में पूर्व में चालानशुदा आरोपियों की सूची तैयार की गई। पुलिस ने डोर टू डोर सर्वे कराया, फुटेज में आए संदिग्ध के हुलिये की पहचान कर पूछताछ की। उक्त संदिग्ध हुसैन कॉलोनी निवासी बबलू शाह 40 पुत्र निशार शाह फकीर ने पुलिस पूछताछ में घटना कारित करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर घटना के वक्त पहने कपड़े व वारदात में काम में लिया चाकू बरामद कर लिया। इसके अलावा 4 संदिग्धों को भी पुलिस ने डिटेन किया है, जिनकी भूमिका की जाँच की जा रही है।